हेलो गाइस, तो आज का कंपैरिजन वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आई थिंक अब तक के मैंने जितने भी कंपैरिजन वीडियो बनाए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कंसेप्ट यही था माइंड में कि तीनों बॉडी बिल्डर्स मोर और लेस एक जैसी बॉडी टाइप वाले एक कंपैरिजन के लिए बेस्ट रहेंगे, और इसके लिए मैंने पिक करा 2018 के रॉली विंकलर, जो रॉली का सबसे बेस्ट एज वर्जन था। एंड रॉली विंकलर द बीस्ट की मैसिव मसल बेलीज को सब जानते ही हैं। इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट कि रॉली कभी भी मिस्टर ओलंपिक का टाइटल नहीं जीत पाए। उनके साथ मैंने पिक करा है फिल हीथ, फिल हीथ के 2011 के वर्जन को, जिन्हें लोग आज भी फिल हीथ का बेस्ट वर्जन कहते हैं। द राउंडनेस, द मसल बेलीज फिल 2011 के ओलंपिया में कैरी कर रहे थे, दैट वॉज जस्ट इनसेन। और थर्ड एथलीट जो मैंने इस थ्री वे कंपेरिजन वीडियो के लिए पिक करे हैं वो हैं द ब्रिक, द म्यूटेंट निक वॉकर, जिनको अब आई थिंक और इस साल की परफॉर्मेंस के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि हाउ केपेबल, हाउ ड्रिवन एंड हाउ फायर्ड अप ही इज। तो प्लीज़ इसे जस्ट फन वे में लें, लाइटली लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे ही और भी वीडियोज़ में आप तक लाता रहूं। और कल का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा, आई बीन वर्किंग ऑन दैट सिंस लास्ट 2 डेज। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पोज, फ्रंट डबल बाइसेप। एंड माई ओ माई, इतने मैसिव ये तीनों ही बॉडी बिल्डर्स हैं विथ ह्यूज आर्म्स एंड मसल बेलीज। मुझे पहले से ही एक आइडिया था कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बट एनीवेज फिल के सारे फोटोज गाइज इतने ही क्रॉप थे तो लेट्स वर्क विद इट। आर्म्स में आई डोंट नो गाइज, तीनों ही फ्रीकिश आर्म्स लेकर आए हैं ऑन स्टेज, बिल्कुल फुल ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। बट फिल हीथ के आर्म्स में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की सेपरेशन इज 100% बीटिंग देम बोथ। रॉली के आर्म्स में भी थोड़ी सेपरेशन देख सकते हैं, और निक तो मैन इज अ बीस्ट, तीनों में सबसे बेहतर बाइसेप पीक्स एंड बिल्कुल हार्ड मसल्स के साथ। यहाँ ये तीनों ही आई थिंक अमेजिंग आर्म्स के साथ हैं। और अगर यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो रॉली विंकलर का चेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पोज इज मोर थिकर, मोर डेंसर, एक कंप्लीटनेस के साथ, और एक बेटर वी टेपर भी यहाँ पर रॉली विंकलर का ही है, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट वेस्ट के साथ और वाइड लैट्स के साथ। लेकिन निक के लैट्स भी इस साल इम्प्रूव दिख रहे हैं अनडाउटेडली। फिल का स्टमक नॉट दैट अट्रैक्टिव यहाँ पर, और ये इशू फिल के साथ हमेशा से ही रहा है, स्टमक ना होल्ड कर पाने का। बट यहाँ पर निक वॉकर द म्यूटेंट क्रेजी सेपरेशन एंड वेल डेवलप्ड ब्लॉकी एब्स के साथ टीज करते हुए लोअर बॉडी में लेग्स में आई कैन सी बेटर सेपरेशन फिल के लेग्स में एंड जबरदस्त मैसिव साइज, दे आर सम थिक लेग्स। और रॉली के लिए सिर्फ एक लेग्स, उनकी अपर बॉडी के आगे थोड़ा कम लगते थे। आई मीन गाइज, आप क्या कह सकते हो जब आपके पास ऐसी क्रेजी अपर बॉडी हो तो। और निक के लेग्स, मैन लास्ट ईयर से अब तक निक ने अपने लेग्स पर जो काम करा है, जो इम्प्रूवमेंट्स दिखाई हैं, वो इजीली विजिबल है यहाँ पर। आई मीन लुक एट द साइज, जो हार्डनेस और सेपरेशन निक दिखा पा रहे हैं, ये आई थिंक फाइनल्स का है निक का, जहाँ पर ये और भी ज्यादा हार्ड और ड्राई होकर आए थे। सो आई डोंट नो गाइस, इट्स अ रियली टफ वन, बट ये वही सिनेरियो है प्रेफरेंस वाला, क्योंकि रॉली का एक बेटर स्ट्रक्चर और निक एक फ्लो जो आ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हार्डनेस का, सेपरेशन का, विद ह्यूज मसल बेलीज, दैट इज अमेजिंग। और फिल के आर्म्स में और लेग्स में सेपरेशन, बट एक बहुत ही अनएस्थेटिक सा मिड सेक्शन कंपेयर टू दीज टू। सो निक आई थिंक इन तीनों में ही हैविंग मोर ड्राइनेस एंड मोर हार्डनेस इन हिज मसल्स, और यहाँ मैं इसीलिए लीन करूंगा निक की तरफ, और मुझे ओवरऑल एस्थेटिक फ्लो निक का बेटर लगा। बट यहाँ अगर आप रॉली की तरफ या फिल की तरफ भी लीन करोगे तो इट इज गोइंग टू बी टोटली फाइन, ये बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। नेक्स्ट है फ्रंट लैट स्प्रेड, एंड यहाँ पर तो रॉली विंकलर एक बलून की तरह लग रहे हैं, एंड बहुत ही वियर्ड और ऑड सा पोज है रॉली का। लेग्स में सेपरेशन यस देख सकते हैं, बट उसके अलावा रॉली इस पोज में और कुछ सिग्निफिकेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी अपने लैट्स प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर। एंड सेम ही सिनेरियो निक वॉकर के साथ, आई मीन इमेजिन गाइस, इस फ्रंट लैट्स स्प्रेड के साथ निक ने थर्ड प्लेस पर अपनी जगह बनाई। आई मीन इट्स वेरी क्लियर कि निक को इस पोज में ऑलमोस्ट सब कंपेटिटर्स ने बीट करा होगा। सो आई मीन इमेजिन हाउ गुड निक मस्ट हैव बीन, कि एक टोटल पोज जो ऐसा है जिसमें उनका कोई चांस ही नहीं था, उसके बावजूद ही इंप्रेस्ड एवरीवन सो मच कि उन्हें थर्ड प्लेस पर प्लेस कर दिया गया। ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट गाइज। बट फेल मैन, इस पोज में फिल इज किलिंग इट, पीकी चेस्ट, पैक्स थोड़े स्मॉल लग रहे हैं, बट स्टिल जो राउंडनेस और थ्री डीनेस फिल यहाँ पर अपने डेल्ट्स में और आर्म्स में देखो यहाँ पर ला पाए हैं, वो निक की इतनी थ्री डी मसल बेलीज होते हुए भी निक को सरपास कर रही हैं। और लेग्स में सेपरेशन एंड ये जो स्वीप्स आ रही हैं विद मास, क्रेजी कंडीशनिंग गाइस, लैट्स भी फिल बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। नाउ फिल का ये कोई इतना स्ट्रांग पोज नहीं है, बट रॉली और निक यहाँ टोटली लैक कर रहे हैं, तो ये पोज गाइस फिल को जाता है। नेक्स्ट इज साइड चेस्ट, एंड डैम मैन इट इज क्रेजी, इट इज क्रेजी, लुक एट ऑल थ्री, कितना ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है इस कंपैरिजन को। तीनों की ही अमेजिंग कंडीशन इस पोज में प्रॉपरली जस्टिफाइड हो रही है। इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, रॉली के आर्म्स सबसे ज्यादा ह्यूज हैं और बेटर डेवलप्ड हैं, बट फिल हीथ की मसल बैलीज मैन पता नहीं ये कैसी कैरी कर रहे थे उस टाइम पर। देखिए रॉली और निक दोनों के ही आर्म्स आर गुड, रॉली के निक से ज्यादा डेवलप्ड और मासिव, बट फिल के आर्म्स जो सेपरेशन दिखा रहे हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में और जिस तरह की डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, ही इज मोर श्रेडेड गाइस, कैसे ब्रेकियालिस मसल दिख रहा है फिल हीथ के अलग ही। निक उस तरह की सेपरेशन में लैक कर रहे हैं जो फिल और रॉली अपने डेल्ट्स और आर्म्स में दिखा पा रहे हैं, बट फिल के मसल्स आर मोर राउंडर, और इसीलिए फिल का चेस्ट देखिए,
कैसे प्रॉपर फुल और राउंड आ रहा है, काफी ज्यादा थिकनेस, जबकि निक और रॉली का ये एग्जीक्यूशन अपने शोल्डर को ज्यादा पीछे पुल करते हुए वो मुझे ज्यादा बेटर लगा। निक पूरी तरह से हार्ड मसल्स के साथ बट फाइबर्स निक के चेस्ट में रॉली और फिल दोनों के जैसे ही नहीं है। कंडीशन तीनों की टॉप नॉच है क्योंकि मिड सेक्शन किसी का भी ब्लोटेड या ब्लड आउट नहीं लग रहा है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस है लोअर बॉडी में, रॉली थोड़े से सॉफ्ट लगते हुए कंपेयर टू निक एंड फिल, और जबकि निक ने अपनी कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग्स पर बहुत काम करा है बट फिल की हैमस्ट्रिंग्स उसके बाद भी देखिए हाउ सेपरेटेड और कैसे बिल्कुल पीस ऑफ मीट नीचे लटक रहे हैं। ग्लूट्स भी फिल के आर वे बेटर एंड हार्डर, तो ये पोज भी गाइस फिल को, बट माय गॉड इट वाज सो टफ। इस कंपैरिजन में वी ऑल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस की बात मैटर करेगी, क्योंकि ये तीनों ही इस जगह पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं टू डिसाइड। नेक्स्ट इज बैक लैट स्प्रेड। फिल की बैक की जो थिकनेस है वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही डेंस एंड थिक बैक, अमेजिंगली डेवलप्ड ट्रैप। बट फिल को कई बार बैक की विथ की कमी की वजह से इस पोज में क्रिटिसाइज करा जाता था। निक की बैक इज मैसिव इन दिस पोज एंड पिछले साल से अब तक निक की बैक भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, बट रॉली की बैक यहाँ पर थिकनेस भी लैक नहीं कर रही और ना ही विथ। देखिए कैसे ह्यूज ट्रैप्स रॉली के लग रहे हैं और लोअर बैक तक प्रॉपर थिकनेस, लैट इंसर्शंस भी नीचे तक आकर एक जबरदस्त वी टेपर बनाते हुए, बट रॉली के हैमस्ट्रिंग्स कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे एंड जैसे ही वो टर्न करते थे उनके लेग्स बहुत स्मॉल लगने लग जाते थे, हैमस्ट्रिंग्स इतने अच्छे डेवलप्ड थी ही नहीं। और यहाँ भी रॉली के लेग्स आर लुकिंग स्मॉलर एंड ग्लूट्स सॉफ्टर, लिटिल टू नो सेपरेशन इन ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। निक वॉकर की हैमस्ट्रिंग्स आर मैसिव, जबरदस्त ह्यूज एंड प्रॉपरली कंडीशन, आई मीन काफी ज्यादा ड्राइड अप गाइस, स्ट्राइशंस तक विजिबल है। बट ग्लूट्स में अगेन निक यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं फील के मुकाबले, कंपैरिजन ही कुछ ऐसा है। देखिए कितने हार्ड एंड वेल सेपरेटेड ग्लूट्स हैं फील के हैमस्ट्रिंग से और एक ओवरऑल बैलेंस देते हुए। फिल के डेल्ट्स भी बहुत ज्यादा राउंडर एंड पीक्ड हैं रॉली के और निक के कंपैरिजन में यहाँ पर। और काव्स में भी फिल इज बीटिंग बोथ रॉली एंड निक, और फिल अपनी लोअर बॉडी कंडीशनिंग और हार्डनेस से और बैक की थिकनेस के साथ ये पोज अपने नाम करते हुए। नेक्स्ट इज बैक डबल बाइसेप, और अनडाउटेडली ये पोज फिल को, तीनों ही अमेजिंग है इस पोज में, और निक का स्पेशली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोज रहा है इस साल। बट फिल के जितने डेप्थ और डेंस डिटेल वाली बैक निक को करने में भी थोड़ा और टाइम लगना है, जबकि फिल की बैक ऐसा लग रहा है बहुत ही एस्थेटिक टैटू बना दिए गए हैं उनकी पूरी बैक पर। ये ट्रैप डेवलपमेंट देखिए गाइस, आर्म्स में देखिए तीनों ही पूरी राउंडनेस और फुलनेस कैरी कर रहे हैं, दे आर हैविंग द बेस्ट आर्म्स गाइस। बट फिल की सेपरेशन ट्राइसेप बाइसेप्स की इज इनसेन, फिल की कंडीशनिंग बहुत सुपीरियर थी यहाँ पर। रॉली इज हैविंग सम डिटेल्स इन हिज बैक, बट फिल के कंपैरिजन में रॉली की बैक मिड से लोअर तक बिल्कुल क्लियरली बीट हो रही है। लोअर बॉडी में अगेन रॉली इज लैकिंग हियर, निक ने वो हार्डनेस और ड्राइनेस यहाँ भी बनाई हुई है, बट एक वो सेपरेशन और मसल मैच्योरिटी वाली चीज जो फिल के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में आ रही है, जो फाइबर्स आ रहे हैं विद साइज, उससे फिल क्लियरली इस पोज को जीत जाते हैं। नेक्स्ट इज साइड ट्राइसेप। फिल के और रॉली के दोनों के ट्राइसेप्स आर वेरी हैविली डेवलप्ड, बट रॉली जिस तरह से अपने ट्राइसेप्स प्रेजेंट करते थे वो एक अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं लगता था, लेकिन जिस तरह के ह्यूज और हॉर्स शू वाले ट्राइसेप रॉली ओन करते थे उसे मैच करना बहुत मुश्किल होता था। एंड निक के ट्राइसेप्स भी आर वेरी गुड, बट सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन इस पोज का अगर देखेंगे तो यहाँ पर निक वॉकर का ही है। जिस तरह से अपनी पूरी फिजिक का उनका फ्लो आ रहा है, लुक एट हिज मिड सेक्शन गाइस, किस तरह से डाइल्ड इन है। इस पोज में फिल हीथ के डेल्ट्स और आर्म्स देखिए, हाउ मैसिव दे आर लुकिंग। बट अगेन चेस्ट की अगर बात करें तो रॉली का चेस्ट इज लुकिंग अमेजिंगली कंडीशन और स्ट्राइटेड, बट निक का लॉन्ग चेस्ट एंड प्रॉपरली डाइल्ड इन मिड सेक्शन विद डिसेंटली डेवलप्ड ट्राइसेप निक को एक अलग एज दे रहे हैं, और ये बहुत डिबेटेबल हो सकता है, बट यहाँ इस पोज में मैं निक की तरफ लीन करूंगा, क्योंकि गाइस आपको पता है मैं ज्यादा ओवरऑल एस्थेटिक्स की तरफ, फ्लो की तरफ लीन करता हूँ। और अगर फ्लो की तरफ जाओगे तो निक वॉकर का जो एक फ्लो बन रहा है पूरी फिजिक का, जो एक एग्जीक्यूशन आ रहा है, वो निक का सबसे बेटर है। बट अगर यहाँ पर आप फिल के साथ भी जाओगे तो इट इज टोटली अ प्रेफरेंस थिंग। नेक्स्ट पोज है एब्सेंथाइज और रॉली विंकलर का, ये थोड़ा साफ फोटो नहीं है गाइस, एंड फिल का मिड सेक्शन हमेशा से इश्यूज वाला रहा है और इनके एब्स भी कभी भी वेल सेपरेटेड प्रॉपर सिमेट्रिकल नहीं आते थे इनके एब्स, जबकि निक का मिड सेक्शन बहुत ही अमेजिंगली ब्लॉकी एब्स के लिए जाना जाता है। और रॉली को यहाँ पर एक एज हासिल है क्योंकि इनकी वेस्ट इन तीनों में सबसे नैरो थी और लैट्स जो थे उनके वाइडर थे, जिसकी वजह से रॉली का एक वी टेपर तीनों एथलीट्स में से सबसे ज्यादा बेहतर बनता है। और इस साल में रॉली की कंडीशनिंग और शार्पनेस भी कंप्लीट थी, जिसकी वजह से उनका मिड सेक्शन वेल डेवलप्ड था और वेल सेपरेटेड एब्स के साथ था। निक वॉकर के साथ सिर्फ उनकी नैरो वेस्ट का एक डिसएडवांटेज रहा है, जिसकी वजह से उनका एक पूरा फ्रेम ही ब्लॉकी हो जाता है। लेग्स में सेपरेशन तीनों ही होल्ड कर रहे हैं और फिल के लेग्स सबसे मैसिव हैं, बट रॉली अपने बेटर वी टेपर, एक अमेजिंग मिड सेक्शन और वेल सेपरेटेड बैलेंस लेग्स की वजह से यहाँ फिल के मैसिव लेग्स के एडवांटेज होने के बाद भी ये पोज जीत जाते हैं। और लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर, और यहाँ पर व्हाट अ फ्रीक पोज, तीन मास मॉन्स्टर्स
फ्रीकी स्ट्रक्चर्स के साथ। रॉली इज वाइडर देन द टू और क्रेजी मसल बैलीज होल्ड करते हुए। वहीं निक वॉकर की ग्रीनिनेस अलग ही लेवल पर है और बहुत ज्यादा वैस्कुलैरिटी निक के फ्रेम पर पता लग रही है, वो थ्रीडीनेस और फ्रीक फैक्टर जो सिर्फ निक होल्ड करते हैं। वहीं फिल हीथ की राउंडर बैलीज, हिज डेल्ट्स, ह्यूज राउंड आर्म्स और पीक पैक्स। इस टाइम तक भी फिल के पैक्स उस तरह से साइज में कम नहीं हुए थे और फिल के फ्रेम पर देखिए कैसे सेपरेशन पता लग रही है आर्म्स और डेल्ट्स में एंड शोल्डर्स में भी, लेग्स में भी। अनडाउटेडली यहाँ इस पोज में मैं फिल हीथ की तरफ लीन करूंगा, बट वेट, आई हैव अनदर वर्जन टू। निक का जो फ्रीक फैक्टर जो 3D मसल्स इस दूसरे वेरिएशन में आ रहे हैं और एक अमेजिंग मिड सेक्शन, दे आर रिडिकुलस मैन। ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि लीन करूँ फिल की तरफ, बट निक वॉकर की फिजिक इस पिक में, कम ऑन मैन, ही इज हार्ड एज अ रॉक। लुक कितने ज्यादा ड्राई और रिब्ड निक वॉकर इज लुकिंग। राउंडनेस अनडाउटेडली फिल सबसे ज्यादा कैरी कर रहे हैं, वो सच है, बट एक फ्रीक फैक्टर, एक मसल टू मसल एज वाली वैस्कुलैरिटी वाली चीज, वो निक वॉकर इस पोज में नेक्स्ट लेवल दिखा पा रहे हैं। बाकी गाइज, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट कंपेरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।